पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार रिवाज नहीं प्रदेश का ताज बदलेगा। प्रदेश की जनता ने नामांकन सरकार को सत्ता से बेदखल करने का पूरा मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास योग्य उम्मीदवारों की कमी है, ऐसे में कांग्रेस के लोगों को टिकट देकर उम्मीदवार बनाया चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1998 के बाद द्रग में जितने भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं, वह सब उनसे ट्रेनिंग लेकर ही आए हैं। गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पत्र में अपना नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार पूरी तरह नामांकन साबित हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिससे प्रदेश आज आर्थिक दिवालिए के कगार पर खड़ा हुआ है। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। 5 साल के इस कार्यकाल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। प्रदेश की वित्तीय हालत सुधारने के लिए कोई साधन सरकार नहीं जुटा पाई है, जबकि बेरोजगार को राहत देने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि सबसे पहले इस मीटिंग में आने के लिए आप लोगों का बेटी धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। क्षेत्र की जनता का आप सभी का आभार व्यक्त करना है। या आपने 8 बार पहले मुझे जिता करके विधानसभा के अंदर भेजा है और अब की बार मुझे पूरा विश्वास है कि जो जोश हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है, जो जोश हमारी बहनों के अंदर है, जो हमारे नौजवानों के अंदर है, और 9वीं बार भी आप भारी मतों से चुन करके मुझे विधानसभा के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। जो जी अलका लांबा ने आपको कहा है उसके बारे में लोगों को बताना होगा कि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो वायदा किया है वो गारंटी है, जो हमने कहा है उसको हम पूरा करेंगे। मुझे 14 तारीख को सोलन में भी जाने का मौका मिला, उसे पहले अलका लांबा जी ने बोला, इन्होंने मुझे मंच पर फिर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया और वहां भी हमने यही कहा, बहनों को भी यही कहा, बहनों के हम फार्म भर रहे हैं कि ऐसे ही सरकार बनेगी, आपको हर महीने 18 साल से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपया एक पेंशन के रूप में आपको देंगे। बोलना भारत सरकार ने चलाई है कि फौज को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मोदी कहते हैं कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। चीन हमारे मुल्क के अंदर घुस गया है, उसके चुप बैठे हैं। इसलिए मुझे आप लोगों से निवेदन करना है, आज ये कहते हैं कांग्रेस की गुलामी से हिंदुस्तान को आजाद कराया, यही कांग्रेस पार्टी है। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने नारा दिया, धन और धरती बच के रहेगी, गरीबों की काली रातें कट के रहेगी, ये कांग्रेस पार्टी का नारा था। कांग्रेस पार्टी ने नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के राज खत्म किए, उनकी जमीनें गरीब लोगों के बीच में बांटी, किसानों में बांटी। कांग्रेस पार्टी ने राजाओं के भत्ते खत्म किए। कांग्रेस पार्टी ने भूमि सुधार कानून बनाया, यहाँ की जमीनें जो है हमारे बड़े जमींदारों की होती थी। और आपका फैसला के लिए पद्धर से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।